पीरियड्स के दिनों में पेन, ये एक सबसे कॉमन समस्या है जो कि हर स्त्री को अपनी जिंदगी में एक बार सामना जरूर करना पड़ता है। आयुर्वेद में इसे कष्टार्थव कहते हैं, मॉडर्न में इसका नाम है डिसमेनोरिया, अर्थात जब मासिक धर्म आता है उन दिनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस हद तक कि बहुत बार तो कई लोगों को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। तो ये कष्टार्थव या पीरियड्स के दिनों में इतना ज़्यादा पेन होता क्यों है और इसके बारे में आयुर्वेद का नज़रिया क्या कहता है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, कष्टार्थव अर्थात जब मासिक धर्म आता है उस समय पेन होता है। आयुर्वेद में इसे आर्तव, जो आर्तव के जितने भी रोग हैं उसमें से एक बीमारी बोला है। आयुर्वेद के नज़रिए से समझे तो उनका ऐसा कहना है कि जितने भी नाभि के नीचे के रोग होते हैं, जो भी आपका ये अम्बेलिकल है उसके नीचे की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अपान वायु की दुष्टि के कारण होती है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु आयुर्वेद में कही गई है, उसमें से एक जो वायु होती है अपान वायु, जब जब वो दुष्ट हो जाएगी तब तब, या वो विकृत हो जाएगी, उसके कुछ फंक्शन में तकलीफ आ जाएगी, तब तब आपको रोग होगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो महिलाओं का जो गर्भाशय है वो पूरे का पूरा अपान वायु के क्षेत्र में आता है और यही अपान वायु डिपेंड करता है कि आपको मासिक धर्म रेगुलर आएगा कि नहीं आएगा, आपको फर्टिलिटी होगी कि नहीं होगी, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके समय पे आपको पेन होगा या फिर नॉर्मल होगा। ये सारी चीज़ें उस अपान वायु के कंट्रोल में है। अब ये अपान वायु क्यों बिगड़ती है और ये क्यों आपको इतने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में पेन करती है, तो आयुर्वेद में वायु को बिगाड़ने वाले कुछ कारण कहे गए हैं। जैसे कि वायु के जो कुछ गुण हैं, अगर उस तरह का ज़्यादातर फूड खाया जाए तो आपके शरीर में वायु बिगड़ती है। जैसे कि रूखा, जो लोग बहुत सारे रूखे सूखे पदार्थ खाते हैं, बहुत ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम ऐसी सारी चीज़ें, या फिर चिल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, पंखे के नीचे डायरेक्ट रहते हैं, एसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तीखा कड़वा कसैला इस तरह के फूड वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों की अपान वायु बिगड़ती है। एक और कारण है बिगड़ने का कि लड़कियों में या फिर महिलाओं में वेग धारण करने की आदत ज़्यादातर पाई जाती है, या तो ज़्यादातर शर्म के कारण, या आसपास में शौचालय न होने के कारण, या फिर घर में बहुत ज़्यादा काम है उस काम में बिजी होने के कारण वो यूरिन लैट्रिन ये सब जो सेंसेशन आते हैं उनको वो रोकते हैं या उन वेगों को धारण करते हैं, इससे भी शरीर में वायु बिगड़ती है। एक और कारण है शरीर में वायु बिगड़ने का, आजकल एक नया सिस्टम आया है जिसको छरहरी काया, जीरो फैट जीरो फिगर जीरो ऑयल, ये सब का आजकल बहुत नाटक चल रहा है। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी तरह का ना तो वो शरीर पर ऑयल लगाते हैं, ना ही खाने में घी ऐसी स्निग्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, बाहर का तीखा तला भला वो सब खाते हैं, और ज़्यादा उछल कूद या ज़्यादा ट्रैवलिंग के कारण उनके शरीर में वायु विकृत होती है। ये सभी तो शारीरिक कारण हैं। मानसिक कारणों में ऐसा कहा गया है कि जो रस धातु होती है, हाँ हमारे शरीर में जैसे कि 7 तरह की धातुएं आयुर्वेद ने कही है, रस रक्त मांसमेध अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें से जो पहली धातु होती है रस धातु, इसका सबसे ज़्यादा रिलेशन है आर्तव या मासिक धर्म के साथ। तो जब जब आपकी रस धातु बिगड़ेगी तब तब आपका मासिक धर्म भी विकृत होगा। ये रस धातु बिगड़ने के बारे में ऐसा कहा है, चिंता ना मति चिंतयात, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, महिलाओं में तो खास करके ये होता है कि उनको कोई भी चीज़ को अति सोचने की या लगातार सोचते रहने की आदत होती है, तो ये सारी चीज़ें, ये अति चिंतन आपके शरीर में रस धातु का क्षय करता है और वही आगे जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्याएं पैदा करती है। अगर नॉर्मल शब्द में कहा जाए तो वायु बिगड़ा तो आपको मासिक धर्म के समय पर पेन होगा। मॉडर्न साइंस का ऐसा कहना है कि एंडोमेट्रियम जो पीजीएफ लेवल सिक्रेट करता है उसके कारण होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, ऐसे कई कारण उन्होंने बताए हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि इसमें आप क्या क्या अपने घर पे कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में तो जो ये स्पैज़म होता है या पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी स्पैज़मेटिक ड्रग्स या एनएसएआईडीज के जो गोलियां होती है वो दी जाती है, या फिर हीट पैड लगाने के लिए कहा जाता है, और आराम करने के लिए मोस्ट ऑफ कहा जाता है। आयुर्वेद के इलाज के तौर पे आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, चाहे अगर आपके घर पे छोटी लड़की है 10-12 साल की जिसको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, या फिर बड़ी उम्र के ही हो, उन्हें कुछ 4 से 6 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, हमने रजस्वला परिचर्या नाम के कई वीडियोस बनाए हैं,
आयुर्वेद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में क्या क्या करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका स्ट्रिक्टली पालन कीजिए, वो आपके गर्भाशय के हेल्थ और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नंबर दो, शरीर में वायु को कंट्रोल रखिए। वायु को कंट्रोल रखिए अर्थात वायु की जो सबसे बड़ी दवा है वो है तेल। तो आपका पीरियड्स जब भी आने वाला है उसके 7 या 8 दिन पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पर जाकर 8 दिनों की बस्ती का कोर्स करके लीजिए या उनसे ही सीख लीजिए कि कैसे तिल तेल की बस्ती आप अपने घर पे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ये देखा जाता है कि जिन भी महिलाओं को या लड़कियों को कॉन्स्टिपेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में पेन होता है। तो आप उन दिनों में अगर बस्ती चिकित्सा करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा, जो वायु रुकी हुई है, बिगड़ी हुई है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा और पीरियड एकदम स्मूथ से आपको होगा। एक और चीज़ आप घर पे कर सकते हैं कि काला तिल, अजवाइन और गुड़, इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, लगभग 1 से 2 ग्राम की समान मात्रा में लेके, और इन गोलियों को जब आपका पीरियड्स आने वाला हो तो उसके 7 दिन पहले से ये आपको खाना चाहिए। ये तीन की तीनों चीज़ें गर्म हैं, वायु को कंट्रोल करती हैं और वायु का अनुलोमन करने में भी हेल्प करेंगी। तो जो स्पैजम होने के कारण जो दर्द होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती हैं। काश्यप संहिता में लहसुन कल्प अध्याय करके एक अध्याय आया है जिसमें कि लहसुन की कई सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ करने बोली हैं। इसी लहसुन को तेल में पकाकर उसकी बस्ती लेना वो तो सर्वश्रेष्ठ है, आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं, या फिर इसी लहसुन के तेल को आप पका के अगर आपके पेट के आसपास मालिश करें मासिक धर्म आने के पहले के कुछ दिनों में तो आपका इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आराम से होगा। अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब एक दो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, तो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट तो आपको ज़रूर करना है। साथ ही आयुर्वेद में एक अमृतधारा नाम का बहुत ही सस्ती और इजिली अवेलेबल दवा है जिसमें कि भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत, ये तीन चीज़ों को मिलाकर अमृत धारा आराम से आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। चाहे आपकी लड़की स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रही हो या फिर छोटी उम्र की 12-13 साल की लड़कियों को ये समस्या शुरू हो रही हो या महिलाओं को जो कि 40-45 की उम्र में भी बहुत सारी महिलाओं को पेन होता है, तो इसे आप अपने पर्स में या अपने साथ में जरूर रखिए। एक छोटी सी ये चीज़ आती है, इस चीज़ को आपको जब भी दर्द हो तो उसे उसकी ढक्कन खोल के उसे स्मेल लेना है, उसे सूंघना है, या फिर रुमाल में आप उसे डाल के 2-3 ड्रॉप उसकी सुगंध ले सकते हैं। इसकी जो आप स्मेल लेंगे तो ये एंटीस्पैज़मोडिक काम करता है, मतलब जो आपको पेन हो रहा है स्पैज़म खिंचाव के कारण, जो वायु के कारण पेन है, उस पेन को ये तुरंत रिलीफ कर देगा। इसका एक और फ़ायदा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में मूड स्विंग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये उसमें भी बहुत आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो तिल, गुड़ और अजवाइन की गोलियां खाने के साथ साथ अगर आप अमृत धारा का प्रयोग करते हैं तो ये किसी भी तरह का पेन किलर खाना या इंजेक्शन लेने से आपको बचा के रखेगा। साथ ही कुछ रेगुलर हैबिट्स को पालन कीजिए जिससे कि आपको ये समस्या हो ही ना, जैसे कि रोज स्नान से पहले शरीर पर तेल लगाना जिसे कि आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है। हमने अभ्यंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे डाल के रखे हैं। आयुर्वेद में वातानुलोमन या वायु को जीतने के लिए जितनी भी चिकित्साएं हैं उसमें अभ्यंग को प्रमुख चिकित्सा में से एक माना जाता है। तो रोज शरीर पे स्नान से पहले तिल का तेल लगाना, खास करके नाभि के एरिया के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर या कमर के आसपास तिल के तेल से मालिश करना, इससे आपकी वायु कंट्रोल में रहेगी। गर्म पानी पीना, जब भी आपको पेन होता है या मासिक के धर्म में समस्याएं होती हैं तब गर्म पानी लेके उसमें 1 या आधा चम्मच घी डाल के उस पानी को बॉईल करके चाय की तरह अगर आप पीते हैं, जैसे गरम गरम चाय होती है वैसे इस पानी को, घी वाले पानी को आप पियेंगे तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन है, आपको तकलीफ है, वो नॉर्मल हो जाएगी। लास्ट चीज, रात में जल्दी सोना। आज के ज़माने में जब लोग रात में सोशल मीडिया, मोबाइल लेकर चमगादड़ की तरह रात भर जागते रहते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जितना रात में ज़्यादा जागेंगे उतनी ज़्यादा रुक्षता बढ़ेगी, तो वो चाहे पढ़ाई के लिए या कोई भी कारण से ज़्यादा देर तक रात में मत जागिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं उन सभी के लिए एक बड़ी उत्तम दवा है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि चंद्रप्रभावटी, अशोका रिष्ट, दशमुला रिष्ट, ऐसे कई सारी अनलिमिटेड दवाइयाँ आयुर्वेद में कही गई हैं जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के आपकी प्रकृति के अनुसार ले सकते हैं जिससे कि पीरियड्स के दिनों में जो दर्द की ये समस्याएं होती हैं उससे आप बचे रहेंगे। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास करके महिलाओं के साथ, जिससे कि उन्हें पीरियड्स के दिनों में आयुर्वेद में बताई सलाहों से हेल्प हो सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।